Hello dear students, my name is Arif Khan. Today I will discuss about numerical problems based on osmotic pressure. आज हम परासरण दाब osmotic pressure पर आधारित गणनाओं के बारे में पढ़ेंगे. osmotic pressure पर आधारित जो numerical हैं वो exams में आते रहते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हमको numerical के बारे में जानना है. तो इसके लिए देखिए कुछ फॉर्मूला है. अभी पिछली वीडियो में ये फॉर्मूला देखिए आया था वांट हाफ इक्वेशन में. वांट हाफ इक्वेशन इक्वल टू सी एस टी, सारे टर्म्स का मतलब पता ही है. सी क्या है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर सांद्रण. विलेय का मोलर सांद्रण बराबर क्या होगा? विलेय के मोल की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर में. मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो सी की जगह हम एन बाय वी लिख सकते हैं. वी को इधर ट्रांसफर कर लिया पीवी. पी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. पीवी इक्वल टू एन एस टी. पीवी इक्वल टू एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल की संख्या. इसकी जगह क्या लिख सकते हो? मोल बराबर भार बटा अणुभार. वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये क्या होता है? मोल, मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो n की जगह लिख सकते हैं w by m s t. ठीक है, तो pv equal to w by m s t. s क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट, विलेय स्थिरांक. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ठीक है, ये वैल्यू दी होगी, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा. तो s की वैल्यू, सॉल्यूशन कांस्टेंट विलेय स्थिरांक की वैल्यू दी रहे. अब t क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होता है. अगर ये डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो 273 जोड़ करके डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज कर लेंगे. तो अब सारे टर्म्स का मतलब यहाँ पर हमने लिख दिया है. पी क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. पी क्या है? विलेय का परासरण दाब. सी क्या? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. विलेय का मोलर सांद्रण. वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, विलेय का आयतन लीटर में. एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल की संख्या. स्मॉल डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यहां पर ग्राम में होगा. वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. ठीक है, विलेय का भार ग्राम में. एम क्या? स्मॉल एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का अणुभार. कैपिटल टी क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन. केल्विन में परम ताप होता ही है. यह सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट विलेय स्थिरांक, इसकी वैल्यू दी रहेगी. अब इसके देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है. क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2% यूरिया सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस. यहाँ 2% यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है. देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पर जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जब भी क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर पर आएगा और उसमें अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज में दी होगी तो उसका मतलब क्या होगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत पहले हमने बताया हुआ है कि वेट बाय वी क्या होता है. 100 ml सॉल्यूशन में कितना वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व है. जब भी परासरण दाब पे प्रश्न में सांद्रता दी हो प्रतिशतता में, तो वो कौन सी प्रतिशतता होगी? भार आयतन प्रतिशतता होगी. भार आयतन प्रतिशतता मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा. प्रतिशतता के बारे में इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने बता रखा है. अब जैसे यहाँ देखो दिया हुआ 2% यूरिया सॉल्यूशन, 2% यूरिया विलयन, इसका क्या मतलब हुआ? 2% यूरिया NH2CO NH2 सॉल्यूशन मींस दैट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन यूरिया 2 ग्राम. 100 मिलीलीटर विलयन में यूरिया की मात्रा कितनी होगी? 2 ग्राम. तो कितने में लेंगे? 1000 में. 1000 ml मतलब 1 लीटर में यूरिया की मात्रा कितनी हो जाएगी? 2/100 × 1000 यानी 20 ग्राम. स्मॉल डब्लू की वैल्यू हो गई 20 ग्राम. वॉल्यूम आयतन कितना हो गया? 1 लीटर. 1000 मिलीलीटर का मतलब 1 लीटर. तो डब्लू 20 ग्राम. डब्लू क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार. डब्लू ग्राम कितना है? 20 ग्राम. वी 1 लीटर. मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया निकालो. मॉलिकुलर वेट निकालने आता है 11th क्लास से ही. यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे. एक नाइट्रोजन एटम है, एक
प्लस हाइड्रोजन के दो एटम है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 × 2 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन परमाणु तो 1 × 2, तो ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट 60 आ गया। परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख लिया जाए, यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस दिया है टेम्परेचर, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके लिए 273 जोड़ना पड़ेगा, 300 केल्विन आ गया। क्या निकालना है, इस विलयन का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर पी निकालना है, और वान ठाक इक्वेशन से हमको क्या पता है PV = W/mSt, यहाँ से देखो ये फॉर्मूला मिला हुआ ना, PV = W/mSt वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले रखेंगे पहले से ही। अब वैल्यू को रख दिया जाए P × V कितना है 1 = W, W की वैल्यू आई है 20/60, M की वैल्यू है 60, यूरिया का अणु भार मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60 × 0.0821 × T की वैल्यू है 300, ठीक है ना। देन P = ये सॉल्व करने पर देखिए हमारे ख्याल से 8.21, ठीक है ना, ये आ जाएगा एटमॉस्फियर, ये विलयन का परासरण दाब सॉल्व करने पर 8.21 वायुमंडल एटमॉस्फियर ATM आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन हम देख लें, बिल्कुल इसी से मैच करता हुआ, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2% सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 dmol सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के डेसीमोलर विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। डेसीमोलर का मतलब क्या हुआ, जिस विलयन की सांद्रता m/10, तो यहाँ पर सी सॉल्यूशन देखिए, सी यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कितना डेसीमोलर, डेसीमोलर मतलब m/10, ठीक है ना। डेसीमोलर s की वैल्यू पता ही है, ठीक है, t की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, कितना आएगा 300 केल्विन आ जाएगा। s की वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है कितनी, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल इनवर्स। टी 27 डिग्री सेल्सियस, टी किस में होता है, केल्विन में होना चाहिए, 27 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा केल्विन में कितना केल्विन, 300 केल्विन। और वान ठाक इक्वेशन पता है, क्या निकालना है यहाँ पे, पी की वैल्यू निकालनी है, यानी परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, तो P = CST, ये वान ठाक इक्वेशन, वान ठाक समीकरण होता है P = CST, तो P = C, सी की वैल्यू है m/10, इसको लिख सकते हो 1/10, यम लिखा नहीं जाता है, 1/10 लिखा जाएगा, यम का मतलब क्या, मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन, मोल प्रति लीटर में सांद्रण। यस की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, टी की वैल्यू 300 केल्विन है, जीरो से जीरो कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 2.46 एटमॉस्फेयर, तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया, 2.46 ATM, इस विलयन का परासरण दाब आ गया 2.46 वायुमंडल एटमॉस्फेयर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दो क्वेश्चन इस पे हो गए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन देखिए तीसरा, देखिए क्या कह रहा है। एट 10 डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम ऑफ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ H2O। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.18 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 10 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 1 लीटर जल में घोला गया। विलयन का परासरण दाबक 108 वायुमंडल पाया गया। इस पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, यानी स्मॉल एम पूछा, मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या क्या देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस दिया यानी टेम्परेचर दिया, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे, 10 प्लस डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ दिया जाएगा, तो कितना आ गया, ये 283 केल्विन आ गया, टी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यस की वैल्यू दी ही रहती है क्वेश्चन में, ठीक है ना, यस की वैल्यू पता ही है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। अब डब्लू, स्मॉल डब्लू दिया हुआ है कितना, 10 ग्राम, ठीक है। वी दिया हुआ है 1 लीटर, निकालना क्या है 1 लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर पी भी दिया हुआ है 1.18 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। अब निकाला क्या, मॉलिकुलर वेट, स्मॉल एम की वैल्यू निकालना है। अब देखिए वॉन ठाक इक्वेशन से हमको क्या पता है, पी वी इक्वल टू डब्लू बाई एम यस टी, ठीक है। तो देख ले क्वेश्चन, पी 1.18 इंटू वी 1 लीटर इक्वल टू डब्लू 10 ग्राम, एम की वैल्यू निकालना है 0.0821, टी कितना, 283 केल्विन, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू 0.08821 इंटू 283 यू एडेड बाई 1.18 इंटू 1, ठीक है। तो यहां पर एम की वैल्यू 196.90, ठीक है ना, ये मॉलिकुलर वेट, इस पदार्थ का अणुभार आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। चलिए 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन देखिए करना है, कह रहा है कैलकुलेट ऑस्मोटिक
प्रेशर ऑफ 0.05 नॉर्मल सुक्रोज C12S22O11 सॉल्यूशन एट 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर सुक्रोज विलयन का प्राशन दाब ज्ञात करना। सुक्रोज विलयन की सांद्रता नॉर्मलता में दी है, नॉर्मलता में दिया, इसको मोलरता में, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, मोलर सांद्रण की। तो अब देखिए, पहले हम सुक्रोज का क्या निकाले, मॉलिकुलर वेट ऑफ सुक्रोज C12H22O11 निकाल लिया जाए। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12 कार्बन है, 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का एक, कितने हाइड्रोजन के परमाणु है, 12 परमाणु, 12 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 11 परमाणु है, अभी आ जाएगा 342। अब क्या निकालना है इसका, मॉलिकुलर वेट है, तुरंत क्या निकाले, इक्विवेलेंट वेट निकाल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज ना कोई एसिड है, ना कोई बेस है, और ना कोई साल्ट है, तो इसका जो मॉलिकुलर वेट होगा वही इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। सुक्रोज का जो भी अणुभार होता है वही उसका मॉलिकुलर वेट हो जाता है, C12H22। ठीक है, अब 342 आएगा, वही उसका मॉलिकुलर तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट भी हो जाता है। और नॉर्मलता और मोलरता में संबंध हमने बता रखा है, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटा तुल्यांकी भार, याद होगा, नॉर्मैलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटा तुल्यांकी भार। नॉर्मलता कितना दे रखा है 0.05, मोलरिटी, मोलरता निकालना है, ठीक है, मॉलिकुलर वेट 342, इक्विवेलेंट वेट 342 कट जाएगा, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलरता आ गई, जितना कि नॉर्मलता 0.05 एन था, नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता मोलैरिटी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोलैरिटी यानी सी पता चल गया, एस पता चल गया, और टी कितना दिया 5 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये डिग्री सेल्सियस में ना होकर किस में होगा, केल्विन में, तो अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 278 केल्विन। ठीक है, और हमको इक्वेशन क्या पता है ना, पी इक्वल टू सी एस टी, 1/2 इक्वेशन। ठीक है, पी निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, परासरण दाब ज्ञात करना है, तो P इक्वल टू C की वैल्यू है 0.05 इंटू S, 0.0821 इंटू T, 283 केल्विन, सॉरी 278 सॉरी 278 केल्विन है। तो P इक्वल टू कितना आ गया 0.05 इंटू 0.0821 इंटू 278, सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.14, ये क्या आ जाएगा एटीएम एटमॉस्फेयर, इस सॉल्यूशन का ये ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब निकल गया। एक क्वेश्चन इस पे और कर देते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आते रहते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एट द सेम टेम्परेचर अ
1.5% ग्लूकोज 1.5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट दिया हुआ है कितना 180 तेरा इज आइसोटोनिक आइसोटोनिक विद 7.65 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लिसरॉल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि समान ताप पर ग्लूकोज जिसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट 180 का 1.5% विलयन ग्लिसरॉल के उस विलयन का समपराशरी है जिसकी सांद्रता 7.65 ग्राम पर लीटर है, यानी पर लीटर 7.65 ग्राम ग्लिसरॉल घुला है उस विलयन के समपराशरी आइसोटोनिक है, तो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया जाए। हमको पता है PV इक्वल टू WmSt, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करें, ये हमारे पास क्या है PV इक्वल टू WmSt, ये होता है वांट हाफ इक्वेशन। तो पहले हम क्या कर लें, पहले हम ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए देखें, जो ग्लूकोज सॉल्यूशन दिया है, ग्लूकोज सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसकी बात करें। क्या कह रहा है 1.5% सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 1.5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1.5% ग्लूकोज सॉल्यूशन मींस दैट 100 ml सॉल्यूशन कंटेन ग्लूकोज, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज होगा 1.5 ग्राम। तो कितने में निकालो, 1 लीटर में, 1 लीटर मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में कितना ग्लूकोज आ जाएगा 1.5 upon 100 into 1000 ग्राम, यानी कितना 15 ग्राम। तो W इक्वल टू हो गया, और V कितना हो गया है सॉल्यूशन का वॉल्यूम, विलयन का आयतन कितना हो जाएगा 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 लीटर। तो W हो गया, V हो गया, या T दोनों के लिए कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है ना। अब ग्लूकोज सॉल्यूशन का दो सॉल्यूशन, ग्लूकोज सॉल्यूशन और ग्लिसरॉल, दो विलयन है, ग्लूकोज विलयन और ग्लिसरॉल विलयन। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पर आंकड़ा था P1, मान लो P1 इंटू V W/mST, ठीक है। तो P1 इंटू V कितना है 1, W कितना दिया 15 ग्राम अणुभार, M कितना है 180, S और T दोनों के लिए कांस्टेंट है, यह हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है, दूसरा सॉल्यूशन है किसका, ग्लिसरॉल का, दूसरा सॉल्यूशन है ग्लिसरॉल का। तो ग्लिसरॉल सॉल्यूशन के लिए देख लिया जाए, क्या कह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन दिया है, क्या दिया है 7.65 ग्राम पर लीटर, यानी W कितना है 7.65 ग्राम और V कितना है 1 लीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 लीटर ग्लिसरॉल के विलयन में 1 लीटर में 7.65 ग्राम ग्लिसरॉल घुला हुआ, तो W हो जाएगा इतना ग्राम और आयतन वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर। और PV बराबर W/mST से वैल्यू रख दें, PV इक्वल टू क्या होता है W/mST, वांट हाफ इक्वेशन है ये हमारा। अब
ग्लूकोज सोल्यूशन के लिए परासरणता ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर P1 मान रखे हैं, तो इसके लिए क्या मान लो P2, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा इनटू V, V कितना 1 लीटर, W 7.65 ग्राम अपॉन M, ग्लिसरॉल का मॉलिकुलर वेट अणुभार निकालना है, S और T दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक सोल्यूशन है, सिंस वो सोल्यूशन क्या है, दोनों सोल्यूशन क्या है आइसोटोनिक है, दोनों ही विलयन समपरासरी हैं, ठीक है ना। तो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है परासरण दाब होगा वो क्या होगा, बराबर होगा P1 बराबर P2। तो P1 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रख दें, क्या हो जाएगा 15/180 S T, और P2 की वैल्यू किससे रखें क्वेश्चन नंबर टू से 7.65 × (m) S T कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 15/180 = 7.65/m, ठीक है। तो यहाँ पर m की वैल्यू निकालिएगा तो 91.6 आ जाएगी, ये ग्लिसरॉल का मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए घर के लिए दे दिए जाए तो सॉल्व करके दिखाएंगे। इसे क्वेश्चन है, एट द सेम टेम्परेचर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन सुगर गन्ने की शर्करा, केन सुगर मॉलिकुलर वेट 342 इज आइसोटोनिक विद 0.877% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, कैलकुलेट मॉलिकुलर वेट ऑफ यूरिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5% गन्ने की शर्करा जिसका अणुभार 342 है, इसका विलयन ग्लिसरॉल के यूरिया के उस विलयन के समपरासरी है जिसकी सांद्रता दिया है 0.877%, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, उसमें तीन पार्ट कर देते हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन एट 27°C, 27°C ताप पर निम्नलिखित विलयनों का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, 5% सुक्रोज C12H22O11, 5% ग्लूकोज C6H12O6, तीसरा है 5% यूरिया। तीन विलयन दिए गए हैं, तीनों विलयनों का परसेंटेज में प्रतिशत मात्रा में सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन दी है, इन तीनों ही विलयनों का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। थैंक यू।